और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते, देखिए हमारे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं दीपिका, ये तस्वीर बताती है कैसे एक बाघ भीड़ के अंदर मौजूद है, भीड़ के बीचों बीच, और ये असली बाघ, ये असली बाघ की तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। बहुत हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई है, यहाँ पर बाघों का आतंक कैमरे में ये कैद हुआ। ये बाघ जो है वो खेत से, जंगल से निकल करके अब देखिए किसान की छत पर आकर के बैठ गया, जिसे देखने के लिए कई लोग छत के ऊपर आ गए। तो सोमवार रात जंगल से निकला बाघ एक किसान के घर की दीवार पर बैठ गया। कई घंटे तक ये बाघ दीवार पर ही डेरा जमाए हुए रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूरा मामला कलीनगर तहसील क्षेत्र के अटकोना गांव का बताया जा रहा है। बाघ ने घर की दीवार पर डेरा जमा रखा है और आसपास मौजूद आवारा कुत्तों की आवाज सुनकर जब लोग सोकर जैसे ही उठे और घर के आसपास उन्होंने टॉर्च की रोशनी से देखा तो बाघ देखकर उनके खुश हो गए। और जरा देखिए कैसे इतनी भीड़ के बीचों बीच बहुत ही आराम से मुंडेर के ऊपर बैठकर ये टाइगर आराम फरमा रहा है। गांव के बीच बाघ को देखने के लिए रात में ही ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। काफी देर तक ये इसी तरीके से यहाँ इस पर मौजूद रहा। जरा देखिए कभी बैठ रहा है कभी उठ रहा है। ग्रामीण टॉर्च की रोशनी से बाघ को देखने की कोशिश करते रहे लेकिन बाघ दीवार से नीचे नहीं उतरा। तो कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव में 6 घंटे तक बाघ दीवार पर ही डेरा जमाए बैठा रहा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर तो पहुंच गई लेकिन बाघ की दहशत गांव में अभी भी कायम है। तो दावा ये किया जा रहा है कि लोगों की भीड़ अभी भी लगी हुई है, लोग बाघ के साथ अपनी सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए जब रात के अंधेरे में लोग सोकर के उठे, टॉर्च उन्होंने जलाया तो उन्हें लगा कि कोई और जानवर होगा, लेकिन जब लोगों ने गौर से देखा कि ये बाघ है, सबके होश उड़ गए। और तभी रात से, देर रात से ही पीलीभीत में इस गाँव में अच्छी खासी भीड़ लग गई और सुबह तक ये बाघ यहीं पर बैठा हुआ दिखा। बीच में ये गुर्राता हुआ नजर आ रहा है, ये दहाड़ आपने टाइगर की सुनी, जब लोग उसके मुंह पर टॉर्च जला रहे हैं तो उसने दहाड़ा भी लेकिन वो टस से बस नहीं हुआ। इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, टॉर्च की रोशनी में लोग इसे देखते रहे लेकिन 6 घंटे तक ये इसी दीवार के ऊपर ऐसे ही चढ़कर बैठा रहा, कभी उठता रहा कभी लेट जाता था लेकिन वो वहां से नहीं हिला। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले ये दीवार पर किस तरीके से बाघ खड़े होकर के वहां से आगे की तरफ चला और उसके बाद बैठा और कुछ देर बाद वो वहीं पर कई घंटों तक, 6 घंटे तक ये दीवार पर बैठा रहा। लोग आसपास के देखिए वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बाघ को शांति से बैठे रहने दीजिए, कोई छेड़िए मत, अगर ये बाघ दीवार से नीचे उतर जाता और इतनी भारी भीड़ हो सकता था कि ये बाघ किसी पर हमला भी कर देता। हालांकि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, ये बाघ वहीं पर बैठा हुआ नजर आया। तो दो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, रात के अंधेरे की और फिर सुबह दिन के उजाले की। तो अंधेरे और उजाले दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए ये बाघ कितनी देर तक किसी दीवार पर यूं ही बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। आसपास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जो दिन वाली तस्वीर है उसके पीछे आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, दूर से इस बाघ को देख रहे हैं लेकिन ये बाघ 6 घंटे तक इसी तरह गांव वालों के बीच में मौजूद रहा। विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या ये बाघ को वन विभाग की टीम वहां से ले गई है या ये बाघ अभी भी वहीं पर मौजूद है उस गांव में? देखिए जो खबर है वन थाने की मौके पर मौजूद है, उसको कॉर्नर ऑफ करने को, उसको घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको या तो जंगल में पहुंचाया जा सके या फिर उसको ट्रैंकलाइज करके फिर वापस उसको जंगल दिया जाएगा। दो तरीके हैं, इसीलिए वन विभाग की टीम पहले कोशिश कर रही है कि उसको कॉर्नर ऑफ करके उसको जंगल में वापस भेज दिया जाए, उसके ताकत जो आया था या फिर अगर नहीं होता है रास्ता कट गया है और दिक्कत होगी तो फिर उसको ट्रैंकलाइज किया जाएगा, उसके बाद उसे
बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, मैं फिर आऊंगी आपके पास। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें पहले वो दर्शकों को दिखाते हैं, फिर आपके पास वापस लौटते हैं। जरा देखिए, एक घेरे में हम आपको दिखा भी रहे हैं, लाल घेरे में देखिए, ये बाघ एक किसान की घर की जो चार दीवारी थी उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात के अंधेरे में वो यहाँ पर निकला और उसके बाद इस दीवार के ऊपर बैठ गया और फिर सुबह तक वो ऐसे ही यहाँ डटा रहा, उसने भागने की भी कोशिश नहीं की। अगल बगल गांव वालों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो गई, लोगों ने तस्वीरें अपने मोबाइल फोन के कैमरे में लगाए, लोग सेल्फीज भी लेते हुए नजर आए। लेकिन कुल 6 घंटे तक गांव वालों के बीच ये टाइगर इसी तरीके से मौजूद रहा। ये हैरान करने वाली तस्वीरें पीलीभीत की है।